वेलकम टू नई सुभास एक्साइटिंग वर्ल्ड ऑफ स्टोरीज टाइमलेस टेल्स अ फैबुलस इनिशिएटिव फॉर ऑल द स्टोरी लवर्स आउट देयर ब्रॉट टू यू बाय नई सुभा नरेटेड बाय हाजरा सलीम। पैट्रिक आइजैक जूनियर, मिसेस आइजैक ने गुस्से से कहा, तुमने फिर से पूरा कमरा फैला दिया। मैंने अभी साफ किया था। शाम को मेहमान आने वाले हैं। अभी मुझे खाना भी पकाना है। ऊपर से तुम मेरा काम बढ़ाए जा रहे हो। अम्मी, मैं तो बस खेल रहा था ना, पैट्रिक ने मासूमियत से जवाब दिया। उफ, क्या करूं मैं तुम्हारा। चलो बाहर जाकर खेलो। और हाँ, कपड़े खराब मत करना। मैं तुम्हें दोबारा तैयार नहीं करूंगी। पैट्रिक यही तो सुनना चाहता था। पलक झपकते ही उसने अपना बॉल उठाया और गार्डन की तरफ भागा। ठीक 2 घंटे बाद जब मिसेस आइजैक ने आवाज लगाई तो पैट्रिक अपने उलझे बिखरे हुए बाल, शरारत भरी आंखें और मासूम सी मुस्कुराहट लिए दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। उसके बालों में धूल, चेहरे पे मिट्टी और जूतों में कीचड़ लगा हुआ था। उसकी नई सफेद शर्ट पर नीले पीले धब्बे लग चुके थे और पैंट को देखकर ऐसा मालूम हो रहा था जैसे वो गीली घास में लोटपोट होकर आया हो। सोने पे सुहागा ये कि लाडले साहब की नाक पर एक ताजा खरोच का निशान भी वाजे नजर आ रहा था। अपने 5 साला बेटे का ये हुलिया देखकर मिसेस आइजैक के होश उड़ गए। आज आने दो तुम्हारे अब्बू को, ऐसी खबर लेंगे तुम्हारी, तुम तभी सुधरोगे, मिसेस आइजैक ने उसके कान खींचते हुए कहा। लेकिन वो अच्छी तरह जानती थी कि पैट्रिक पर ना डांट का असर होगा ना प्यार से समझाने का। पैट्रिक मनमौजी था जो अपनी दुनिया में खोया रहता था, ना वक्त का होश ना काम की परवाह। उसकी दोस्ती सिर्फ उसके खिलौनों, फुटबॉल और कहानियों की किताबों से थी। था वो बहुत जहीन मगर उसे खेल कूद से फुर्सत नहीं थी। मिस्टर एंड मिसेस आइजैक उसके पीछे पीछे घूमते रहते मगर पैट्रिक बस अपनी धुन में मगन रहता। मिसेस आइजैक पैट्रिक की वजह से बहुत परेशान रहती थी लेकिन उन्हें पूरी उम्मीद थी कि अगले हफ्ते से जब पैट्रिक स्कूल जाना शुरू करेगा तो खुद ब खुद उसकी मस्ती भरी तबीयत में सुधार आ जाएगा। बिलाखिर वो दिन आ गया। मिसेस आइजैक ने अपने लाडले बेटे को नया यूनिफॉर्म पहनाकर तैयार किया। न्यू बुक्स, कलर पेंसिल्स, लंच बॉक्स और वाटर बॉटल के साथ स्कूल बस में बिठा दिया। दोपहर में जब पैट्रिक स्कूल से वापस आया तो उसका मूड कुछ चिड़चिड़ा सा था। पूछने पर वो कहने लगा, कितनी अजीब सी जगह है ये स्कूल। खेलने के लिए सिर्फ आधा घंटा और बाकी सारा टाइम पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। किसी ने दोस्ती भी नहीं की मुझसे। मैं नहीं जाऊंगा कल से। मिसेस आइजैक को पैट्रिक से कुछ इसी किस्म की शिकायत की उम्मीद थी। कुछ देर उसे प्यार से समझाने और अगले दिन लंच में फ्रेंच फ्राइज देने के प्रॉमिस के बाद पैट्रिक स्कूल जाने के लिए मान गया। अगले दिन जब पैट्रिक स्कूल से वापस आया तो उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट थी। अम्मी, आपको पता है आज हमारी क्लास में एक नया बच्चा आया, उसका नाम चार्ली है। वो क्लास में मेरे साथ ही बैठा था, हमने लंच भी शेयर किया, वो नगेट्स लाया था, हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स बन गए हैं। ये सुनकर मिसेस आइजैक को तसल्ली हुई कि अब पैट्रिक का दिल स्कूल में लग जाएगा और ऐसा ही हुआ। पैट्रिक रोज घर आकर सबसे पहले पूरे दिन की कहानी सुनाता और हर कहानी चार्ली से शुरू होकर चार्ली पर खत्म होती। आज चार्ली ने सबसे पहले क्लास वर्क फिनिश किया तो मिस ने उसे चॉकलेट दी। आज चार्ली ने मैथ का होमवर्क नहीं किया था तो मैंने उसे ब्रेक में करवा दिया। आज चार्ली ने कॉपीज कलेक्ट करने में टीचर की मदद की। आज चार्ली ने असेंबली में पोयम सुनाई। आज चार्ली ने क्विज में सारे जवाब सही दिए तो सबने उसके लिए क्लैपिंग की। आज चार्ली ने ये कहा, आज चार्ली ने वो किया। पैट्रिक की जुबान पर बस एक ही नाम अटक गया था। वो हर वक्त बस चार्ली चार्ली कहता रहता था। मिसेस आइजैक को तो ऐसा लगने लगा था जैसे चार्ली उनके घर का ही कोई फर्द हो। वो पैट्रिक और चार्ली की दोस्ती से बहुत मुतमईन थीं। चार्ली की सोहबत में पैट्रिक की शरारतें भी कम हो गई थीं और उसके मार्क्स भी अच्छे आ रहे थे। देखते देखते 3 महीने गुजर गए। फिर एक दिन पैट्रिक वक्त पर स्कूल से वापस नहीं आया। स्कूल की छुट्टी हुए 1 घंटा हो चुका था लेकिन स्कूल बस अभी तक बच्चों को लेकर नहीं आई थी। 3-4 बार फोन करने पर जब किसी ने स्कूल में कॉल नहीं उठाई तो मिसेस आइजैक खुद स्कूल जाने के लिए तैयार हो गई। वो बस घर से निकल ही रही थी कि पैट्रिक सामने से भागता हुआ आया। अरे मेरी जान, कहाँ रह गए थे? और ये तुम्हारे सर पर खरोच कैसी? गिर गए थे बेटा? तुम्हारा चेहरा देखो, पूरा लाल हो रहा है।
अम्मी, आज ब्रेक में चार्ली की साइमन से लड़ाई हो गई। झगड़ा साइमन ने शुरू किया था। वो कह रहा था चार्ली झूठ बोलता है। ये सुनकर चार्ली ने गुस्से में उसे धक्का मार दिया। दोनों ने खूब लड़ाई की। साइमन ने चार्ली के बाल नोचे और उसे मुक्का भी मारा। फिर टीचर ने दोनों को डांटा और स्कूल खत्म होने के बाद दोनों को ग्राउंड में मुर्गा बनाकर खड़ा कर दिया। मिसेस आइजैक को इन बातों पर यकीन नहीं आया। चार्ली तो इतना प्यारा बच्चा है, तुम तो बता रहे थे उसे क्लास का मॉनिटर भी बना दिया है, वो क्यों झूठ बोलेगा? और तुम्हें चोट कैसे लगी और लेट क्यों आए हो? अरे अम्मी, मैं चार्ली को बचाने के लिए बीच में गया तो मुझे भी लग गई। पूरी क्लास दोनों को मुर्गा बना देखने के लिए रुक गई थी, इसलिए मैं भी लेट हो गया। वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है ना, उसे अकेले कैसे छोड़ देता? आपको पता है अम्मी, उसका और कोई दोस्त नहीं है, सब उसे चिढ़ाते हैं, कहते हैं वो झूठ बोलता है, मनगढ़ंत कहानियां बनाता रहता है। कोई उससे बात नहीं करता, कोई उसके साथ नहीं खेलता, उसे कोई समझता ही नहीं है, सब बस डांटते रहते हैं, उसकी बात कोई नहीं सुनता। उसे 3 दिन की पनिशमेंट मिली है जबकि उसकी कोई गलती भी नहीं थी। वो बहुत रो रहा था, मैं कल भी उसके साथ रुकूंगा, ठीक है ना अम्मी? ये सब सुनकर मिसेस आइजैक का दिल बहुत उदास हुआ। उन्होंने शफकत से पैट्रिक के सर पर हाथ फेरा और कहा, तुम मुंह हाथ धो लो, फिर हम चार्ली के लिए चॉकलेट चिप कुकीज बनाएंगे। आप कल उसके लिए स्कूल ले जाना, उसे बहुत अच्छा लगेगा। जब से पैट्रिक और चार्ली की दोस्ती हुई थी, मिसेस आइजैक चार्ली से मिलना चाहती थी। उन्होंने पैट्रिक से कहा भी था कि कभी चार्ली को घर पर बुलाए, लेकिन पैट्रिक ने बताया कि उसे घर से इजाजत नहीं मिली। लेकिन आज का ये किस्सा सुनने के बाद मिसेस आइजैक के दिल में चार्ली से मिलने की ख्वाहिश और भी बढ़ गई थी। मिसेस आइजैक सोच ही रही थी कि चार्ली या उसकी अम्मी से रابطہ कैसे किया जाए। इतने में पैट्रिक की स्कूल से तमाम वालदैन को फर्स्ट सेमेस्टर के साइंस एंड आर्ट्स एग्जीबिशन प्लस पेरेंट टीचर मीटिंग का इनविटेशन आ गया। मिसेस आइजैक ये इनविटेशन देखकर बहुत खुश हुईं। इसी बहाने पैट्रिक की टीचर से मुलाकात हो जाएगी और चार्ली और उसके पेरेंट्स से भी। एक हफ्ते बाद जब मीटिंग का दिन आया तो मिस्टर एंड मिसेस आइजैक पैट्रिक के साथ स्कूल पहुंचे। पैट्रिक की क्लास गुब्बारों से सजी हुई थी और दरवाजे पर एक बड़ा सा वेलकम बैनर लगा हुआ था जो बच्चों ने खुद बनाया था। क्लास के एक कोने में पेरेंट्स के लिए चाय, नमकीन बिस्किट और पेस्ट्रीज सर्व की जा रही थीं और दूसरे कोने में बच्चों के प्रोजेक्ट्स डिस्प्ले पर रखे हुए थे। पैट्रिक के प्रोजेक्ट्स देखकर मिसेस आइजैक को अपने बेटे पर बहुत नाज हुआ। उन्हें तो पता ही नहीं था कि पैट्रिक ने एनिमल किंगडम और क्ले फ्रूट बास्केट का प्रोजेक्ट कब बनाया था और माय बेस्ट फ्रेंड की ड्राइंग भी उन्होंने पहली बार ही देखी थी। अगर पिक्चर पर नाम ना भी लिखा होता तब भी मिसेस आइजैक पहचान लेती कि तस्वीर में चश्मे पहना ये बच्चा चार्ली ही है। मिसेस आइजैक ने क्लास में नजर दौड़ा कर देखा लेकिन उन्हें चार्ली का कोई प्रोजेक्ट नजर नहीं आया और जितने बच्चे आए थे उनमें से किसी का भी हुलिया चार्ली के हुलिये से मैच नहीं कर रहा था। हो सकता है उन्हें आने में देर हो गई हो, मिसेस आइजैक ने खुद को तसल्ली देते हुए सोचा। बच्चों के शोरगुल और पेरेंट्स की चहलकदमी के बीच मिसेस आइजैक की नज़र मिसेस माइकल पर पड़ी जो बस अभी अभी एक बच्चे के पेरेंट्स से मिलकर फारिग हुई थी। ये देखकर मिसेस आइजैक भी अपने बेटे की क्लास टीचर से मिलने के लिए आगे बढ़ी। मिसेस माइकल से पहली मुलाकात पैट्रिक के एडमिशन के वक्त हुई थी। मिसेस आइजैक ने उनसे मिलकर दोबारा अपना तारुफ करवाया और पैट्रिक की प्रोग्रेस के बारे में पूछा। आपका पैट्रिक बहुत जहीन है, हर एक्टिविटी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है, पूरी क्लास में उसकी इमेजिनेटिव और क्रिएटिव कहानियां मशहूर हो गई हैं, मिसेस माइकल ने बताया। बस मैथ में थोड़ा वीक है लेकिन प्रैक्टिस के साथ इम्प्रूव हो जाएगा और पिछले हफ्ते साइमन के साथ जो किस्सा हुआ उसके बारे में तो आपको पता चला ही होगा। जी, मुझे पैट्रिक ने बताया। दरअसल मैं इस बारे में आपसे बात करना चाह रही थी मिसेस माइकल, मुझे लगता है कि इस सारे मामले में चार्ली का कोई कसूर नहीं था। पैट्रिक ने बताया कि सारे बच्चे चार्ली को बहुत तंग करते हैं। हो सकता है चार्ली के घर में कोई परेशानी हो जिसकी वजह से वो साइमन से उलझ गया हो। आपको तो पता है चार्ली और पैट्रिक कितने अच्छे दोस्त हैं। क्या मैं चार्ली और उसके पेरेंट्स से मिल सकती हूँ? हो सकता है हम सब मिलकर इस मसले का कोई बेहतर हल निकाल सकें। चार्ली? कौन चार्ली? मिसेस माइकल ने चौंकते हुए पूछा। उनका यूं हैरान होना और चार्ली को ना पहचानना मिसेस आइजैक को समझ नहीं आया। अरे मिसेस माइकल, मैं आपके स्टूडेंट चार्ली की बात कर रही हूँ, जो चश्मे पहनता है, जिसके भूरे से बाल हैं, जो मेरे बेटे के साथ बैठता है। माय सन्स बेस्ट फ्रेंड, मिसेस आइजैक ने उन्हें याद दिलाने की कोशिश करते हुए कहा। मिसेस आइजैक, आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है, हमारी क्लास में तो चार्ली नाम का कोई स्टूडेंट नहीं पढ़ता।
टाइमलेस टेल्स में अब तक के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होगी फिर किसी रोज एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अंटिल देन, आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया।